मिलियनर इस लेक्चर में हम अपने ब्लॉग डिटेल्स वाले पेज पे काम करेंगे और काम शुरू करने से पहले हम एक बार इसका एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी ऐप पे आ चुके हैं और मैं ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ। अगर हम अपने ब्लॉग्स वाले पेज पे जाएं तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट व्यू मिलेगा, जितने भी ब्लॉग्स अब तक सबमिट हो चुके हैं, पोस्ट हो चुके हैं, वो सारे हमें यहाँ पर डिस्प्ले होता है। और ब्लॉग डिटेल्स वाले पेज पे जाने के लिए हम चाहते हैं कि हम इनमें से किसी भी ब्लॉग पे क्लिक करें तो हम ब्लॉग डिटेल्स वाले पेज पे चले जाएं और उस पेज में हमें इस ब्लॉग की सारी डिटेल्स शो होनी चाहिए। इसका टाइटल, इमेज, कंटेंट, इसका ऑथर कौन है, किस डेट को ये ब्लॉग पोस्ट हुआ था, इस ब्लॉग पे किस यूज़र ने क्या क्या कॉमेंट्स पोस्ट किए हैं, वो सारे हमें एक लिस्ट की फॉर्म में नज़र आने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए कि हम कमेंट्स पोस्ट कर सकें और जिस ब्लॉग डिटेल्स के पेज पे हम हैं उसके ऑथर भी हम हैं, वो ब्लॉग हमने ही सबमिट किया था, तो हमें वहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी मिलना चाहिए। और अगर हम उसके ऑथर नहीं हैं तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, मतलब एक ऑथराइज्ड एक्सेस होगी। और यहाँ पर हम अपने वी एस कोड में वापस आते हैं और जो हमारा ब्लॉग का कंपोनेंट है, ये हमारा ब्लॉग का पेज है। इसमें हमें जो भी हमारे लिस्ट व्यू है ब्लॉग्स की, वो सारी यहाँ से रेंडर होती है। और इस पेज से हम नेविगेट करना चाह रहे हैं कि जब हम इस पेज में किसी एक ब्लॉग पर क्लिक करें तो हम उस ब्लॉग के डिटेल्स वाले पेज पे चले जाएं। और नेविगेशन के लिए हमें चाहिए होगा यूज़ नेविगेट, और इस हुक को यूज़ करने के लिए हम बनाते हैं नेविगेट, और ये हो जाएगा यूज़ नेविगेट। और यहाँ पे जो हमारा यूआई है, इसमें हमारे पास एक पेरेंट डिव है जो पूरे पेज के यूआई को कंट्रोल करती है, और इंडिविजुअल ब्लॉक हमारे पास इस ब्लॉक में है। और हर ब्लॉक के लिए हम ऑन क्लिक का अलग फंक्शनैलिटी चाहते हैं कि अगर मैं एक ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो हमारी ऐप को चाहिए कि वो मुझे रीडायरेक्ट कर दे उस ब्लॉक की डिटेल्स पे, और अगर हम किसी और ब्लॉक पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें उस वाले ब्लॉक की डिटेल्स वाले पेज पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम आईडी की बेस पे नेविगेट कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हमने नेविगेट करना, इसको हमें टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम नेविगेट करेंगे स्लैश ब्लॉग स्लैश ब्लॉग की आईडी। हम हर ब्लॉग को उसकी आईडी की बेस पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे ब्लॉग डॉट अंडरस्कोर आईडी, और अब हमें इस राउट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने ऐप कंपोनेंट में। और यहाँ पे जो हमारा ब्लॉग वाला राउट है उसके साथ ही हम एक नया राउट बना लेते हैं, और इसमें सिर्फ पाथ चेंज होगा, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट वही होगा। यहाँ पे होगा स्लैश ब्लॉग और कोलन आईडी। कोलन आईडी का मतलब है कि ये पैरामीटर है और ये यूनिक होगा हर दफ़ा, मतलब ये वेरिएबल रहेगा हर ब्लॉक के लिए, चेंज होगा, ये कांस्टेंट पार्ट नहीं है इसका। और यहाँ पे हमें एक नया पेज बनाना पड़ेगा। पेजेस में हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं ब्लॉक डिटेल्स, और इस फोल्डर में हमारे पास दो फाइल्स होंगी, ब्लॉक डिटेल्स डॉट जे एस एक्स हमारे कंपोनेंट के लिए, और ब्लॉक डिटेल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, इसमें हमारी स्टाइल शीट आ जाएगी। और ये हमारे पास होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट ब्लॉक डिटेल्स, और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ब्लॉक डिटेल्स। और यहाँ पे अभी हम रिटर्न कर देते हैं एक H1, और
इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने ऐप में. यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हमें मिल रहा है. तो यहाँ पे हमने ब्लॉग डिटेल्स का पेज शो करवा दिया और ऑटो इंपोर्ट की वजह से ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है. अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र में. अब हम अगर किसी भी ब्लॉग पे क्लिक करें तो हम इस पेज पे आ चुके हैं. और अगर हम वापस जाएं और किसी और ब्लॉग पे क्लिक करें तो हम इस राउट पे नेविगेट कर चुके हैं. मतलब हमारा जो राउट है और जो पेज है काम कर रहा है. और अब हमें इस ब्लॉग डिटेल्स वाले पेज की फंक्शनैलिटी पे काम करना होगा.